एक फिक्स जहां पे एक जानवर को बांध दिया जाता है, इस प्रकार से मैं आके बंध गया था वहां पे कि कहीं मैं निकल नहीं पाता था। तो इस प्रकार से मेरी एक नौकरी लग गई हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को छुड़ा पाया। और परिवार की लाइफ स्टाइल की बात करें तो दोस्तों परिवार में बिना, आप जानते हैं कि अच्छा पैसा नहीं होता तो परिवार में दिक्कतें क्या होती है, कि अच्छा रहन सहन नहीं होता, अच्छा खा नहीं पाता परिवार, बच्चों को अच्छा घुमा फिरा नहीं पाते, बच्चों को अच्छा पढ़ा नहीं पाते। बच्चों को मैं पढ़ाने की बात करूं तो पहले मैं बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाल दिया हुआ था क्योंकि इतनी अच्छी इनकम नहीं थी। फिर धीरे धीरे उठा के मैंने फिर बच्चों को अच्छा रूट टूर से पैसा आया, कंपनी से आया, अच्छे से काम किए तो फिर बच्चों को उठा के प्राइवेट में डाला। तो धीरे धीरे ऐसी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे बदलती चली गई। और आज धीरे धीरे वो लाइफ स्टाइल बदलते बदलते आज इस हद तक आ रही कि काफी अच्छी स्थिति में आज हम यहाँ पे आ पा रहे हैं। और निश्चिंत ही आज विश्वास है कि और 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर आज हम बहुत अच्छी परिस्थिति में आ जाएंगे, बहुत अच्छी परिस्थिति में आ जाएंगे। और आनंद सर के साथ अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी, तो आनंद सर ने बोला था कि हम बहुत मध्यम परिवार के, आज बहुत हाई स्केल में आ जाते हैं। तो निश्चिंत ही सर उस समय के बाद दिल से है सर कि आपका आशीर्वाद बना तो बहुत जल्दी हाई स्केल में आके दिखाएंगे सर, दिल से बताएंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या आपका? टारगेट तो है सर, पहले पूरा टारगेट है सर गोवा का निकालने का, और उसके साथ साथ पर एक ही टारगेट है सर मेरा, जब तो पर्ल निकल गया सर तो पाज निकालना मुझे बहुत जल्दी। और ड्रीम सर ड्रीम तो दिमाग में घर का है सर, कि कार लेने से पहले एक अच्छा घर का वो कर लूं सर, बाकी आप जैसा बोले सर। मुझे पता मैं क्या बोलने वाला हूँ। डॉक्टर जी सर साहब होंगे या देश तिवारी के अपलाइन है, थोड़ा सा बताए कि इसकी पहले से आज राकेश को ज्वाइन कराया था वो तो पहले कैसा था, रूट टू के बाद आज कैसा है? डॉक्टर साहब है क्या मीटिंग में? सर नमस्कार नमस्कार सर, शरण स्पर्श कल्याण और राकेश जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से। और थैंक यू सो मच सर, बस आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे सर। ईश्वर करे आप जल्दी रिकॉर्ड ब्रेक करें और पल जो समय लगाए हो उससे जल्दी समय में तो पा जाए आप। और सर बड़ी खुशी हो रही राकेश को देख के सर, पहले मेरा पेशेंट था आज मेरा बिजनेस पार्टनर है सर, और लगातार सुधार कर रहा है। वैसे ये बिजनेस ही है सर, कहते हैं ना सर डायरेक्ट सेलिंग में कोई नंबर वन नहीं होती, उसके जो अचीवर होते हैं अगर वो नंबर वन है तो कंपनी भी नंबर वन है सर। रूट प्योर शायद इसीलिए नंबर वन है सर, राकेश एक सबसे बड़ा उदाहरण है सर, कि मैं बार बार कहता हूँ सर डायरेक्ट सेलिंग ना मध्यम वर्ग लोगों के लिए ना वरदान है सर, मगर मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं ना सर वो डाउट करते हैं, वो डाउट कंपनी के ऊपर नहीं करते सर, वो डाउट अपने ऊपर करते हैं। और अगर वो अपनी ताकत को समझ लें तो यहाँ इस इंडस्ट्री में आके वो सर पूरे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को ना, 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे सामने राकेश चोटिल सर। तो राकेश जी हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हम पहले भी बोलते थे हम हमेशा आपके साथ थे हैं और जब तक ये सांसे रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है ना। आनंद सर ने सिखाया है हमें, मंजीत सर ने जो सिखाया, हम कोशिश करते हैं सर अपनी डाउनलाइन को वही सिखाएं। और उसमें से पहला पार्ट होता है सर ईमानदारी। मैं हर बार ईमानदारी की बात भी इसलिए करता हूँ सर, अगर व्यक्ति ईमानदार है बिजनेस में हो या रिलेशन में या फ्रेंडशिप में हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और रहा सर राकेश का, तो राकेश ने एक वादा किया था सर कार का, मैं राकेश को याद दिलाना चाहूंगा सर, जब नीरज ने कार ली थी तो राकेश ने कमिटमेंट किया था कि सर मैं कार लूंगा। मैं चाहूंगा राकेश जी कि आप अपनी छवि को बदलें और जो आपने कमिटमेंट किया है आनंद सर से, मंजीत सर से, और उस दिन स्टेज में कई लोग थे, ठीक है ना, तो आप अपनी उस छवि को बदलें और एक शानदार लग्जरी कार लेके लोगों को प्रूव करके दिखाएं कि मध्यम वर्ग के लिए डायरेक्ट सेलिंग वरदान है ये। और जो नए लर्नर आए हैं और एग्जीक्यूटिव आए हैं सर, उनको भी हमारी तरफ से और पूरी वॉरियर्स टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर। और राकेश जी कार लेते हैं और अपनी जिंदगी। मेरे को वो भी दिन याद आ रहा है, मैं मंजीत जी जा रहे थे अपनी कार से, लखनऊ जा रहे थे, तो बताए एक बंदा ज्वाइन किया यही रहता राकेश चोटिल, वो घर में दिखा नहीं, बोले कहाँ वो भैंस जाने गया वो मिश्रा जी का।
वो भी देखा हूँ दिन, जिस जिस एंजॉय करने के बाद राकेश चौटाला भैंस भी चराया है मिश्रा जी की, गाय दूध भी दुआ और उनके सारे काम भी किया है, ये नौकरी नौकरी बोल रहा है लेकिन खुल के बोल नहीं पा रहा है कि मिश्रा जी के सारे काम तो वही करता था, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे उनका खाना बनाना हो, चाहे उनके भैंस चराना हो या दूध दुहना हो, कुछ भी काम घर काम करना हो सारा काम राकेश चौटाला करता था। लेकिन नाउ दैट इज फ्री और आई होप सो जल्दी ही उस मुकाम पहुंचेगा जहां एक हर इंसान चाहता पहुंचना। तो वेल डन राकेश चौटाला, मैं चाहूंगा कि बंची जगह है तो एक आशीर्वाद बच्चन उनके भी चाहिए कि हाँ यार साथ वो गर्व हो रहा होगा उनका बच्चा आज अच्छे मुकाम पहुंच रहा है। मंजीत सिंह जी जी सर गुड मॉर्निंग, खुशी हो रही सर, चेहरा इसलिए नहीं दिखा पा रहा सॉरी सर, मैं सो के लेटी था अभी कल सर रात में, आप 1 बजे बोल रहे थे कि अब तो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ सर बहुत खुशी हो रही है, राकेश चौटाला जी को ढेर सारी बधाइयां पहले, इवन आज जितने भी लर्नर बने एग्जीक्यूटिव बने उन सबको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। लर्नर पहला स्टेज होता है जहां से हम कदम रखते हैं अपने सपनों की उड़ान का, और निश्चित ही आज जितने भी लर्नर बने उन्होंने अपने सपनों की उड़ान में पहला कदम रख दिया, उन सबको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। टीम नागपुर को ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं देख रहा हूँ लगातार लगातार ढेरी हर सप्ताह उनके भी अचीवर आते जा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ना बहुत अच्छी खुशी होती है, और लेडीज इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इस बात की ढेर सारी खुशियां हो रही है सर। अब बात करते हैं सर राकेश चौटाला जी की, निश्चित ही मैं आपके साथ था, कई बार अपन लोग निकलते थे, कई बार राकेश चौटाला जी की शुरुआती दौर में बात करते थे तो वो कहीं भैंस चराने जाते थे, कभी मिश्रा जी को लेके घूमते थे, ये हमने वो पल देखा है, वो छटपटाता था अंदर से कि ये सब चीजें छोड़ू, पर कहीं ना कहीं उसको मिश्रा जी बहुत दिक्कत करते थे। जब मिश्रा जी इस संसार से चले गए उनके पास एक मौका था कि अब अपने कैरियर को एक अलग सी उड़ान दे, हमारे एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका परिवार, कि उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाता। राकेश चौटाला जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने परिवार को चुना और उनकी खुशियों को चुना और उस नौकरी को त्यागने का निर्णय लिया, क्योंकि 5-6-7 हजार रुपए नौकरी छोड़ना जिस घर में रहते हो उधर पर मिश्रा जी से बैर लेना बहुत बड़ा मौका था, उन्होंने उस मौके को भुनाया और उधर पे नई उड़ान भरने के लिए नए सपने देखने के लिए कि भाई मैं अपने परिवार के साथ ही आगे बढ़ूंगा, कल के लिए उनको मुझसे घर से निकाल देते हैं तो ठीक है, ये नौकरी भी चल जाती ठीक है, उनने सब कुछ दाव पे लगाया और आज उसका नतीजा है कि इस सप्ताह की इनकम उनकी 72,000 है। मैं राकेश चौटाला जी की वर्किंग की बात करूँ दोस्तों, वो व्यक्ति आज की डेट में अपने घर पे रह के काम नहीं करता, घर से बाहर छपा रहा कहीं लखना दौन कभी धूमा में रह के काम करता है, परिवार उसका घर से अलग रहता है, बारिश हो रही है कई बार बिजली की समस्या हो जाती है, कभी पानी की समस्या हो जाती है, और कई अभी वाइफ को आँख की प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी, वो ये सब चीजें कई बार बोलते ना लोग बड़े आसानी से बन गया होगा बड़े आसानी से कर गया होगा, नहीं बहुत दिक्कतें का सामना करता हर बार वो झेलता, कई बार डांट भी खाता है गलती करता है तो, कई बार आनंद सर से डांट खाता है मुझसे डांट खाता है, पर वो हर बार अपने सपनों के लिए कृतज्ञ है और मैं हर बार देखता हूँ जैसे पोजीशन ठीक होती वो फील्ड में फिर से निकल जाता है, तो फील्ड का राजा है राकेश चौटाला जी और डीडी निकालने में माहिर है, जिस घर में बैठ जाता है उस घर से डीडी निकाल के आता है, क्योंकि उसे मालूम है वो व्यक्ति डीडी दे ना दे मुझे उसकी डीडी क्यों लेना है, जब आपको अपना वाई क्लियर होता है तो आप उससे डीडी ले लेते हो, और उसका बिजनेस कई बार डाउन गया इवन कई बार तो टीम साफ हो गई और वो इकलौता ऐसा नेटवर्क में हर बार अपने नेटवर्क को खड़ा कर लेता है, तो दिल से सलूट राकेश चौटाला जी हमारे नेटवर्क में, ये गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा मेहनती व्यक्ति ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा अपने सपनों को लेके अपने सपनों के लिए कृतज्ञ व्यक्ति होना अपने नेटवर्क में होना बहुत गर्व प्राउड की बात है। सबसे बड़ी बात अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा प्यार करना, अभी वाटर पार्क हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल, हम सब लोग वाटर पार्क गए अगले दिन वो अपनी फैमिली को लेके वाटर पार्क में बैठा था, तो जब भी वो कुछ नया देखता है रजवाड़ा गए खाना खाने अगले दिन अपनी फैमिली को लेकर रजवाड़ा चला गया, वो अपनी फैमिली को वो सारी लग्जीरियस देना चाहता है जो वो खुद देख रहा है, और आई होप सो बहुत जल्दी बैंकॉक जाएगा अपनी फैमिली को लेकर, बहुत जल्दी गोवा जाएगा अपनी फैमिली को लेकर, बहुत जल्द अपनी कार में अपनी फैमिली को घुमाएगा अपना एक सपनों का घर बनाएगा, मेरा दिल से आशीर्वाद है उसके लिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा मेरा भाई। बिल्कुल सर अरे सॉरी सर, और दोस्त ढेर सारी बधाइयां ये हमारे दोस्त हैं सर, तो थैंक यू राकेश मेरे नेटवर्क में होने के लिए हमारे साथ इस सपने को देखने के लिए और एक विश्वास